आप जो हिंदी साहित्य पढ़ती है उसके पाठ्यक्रम में भी एक उपन्यास है उसका नाम भी दिव्या ही है yes. और उस उपन्यास में वो जो दिव्या है और जो उसका मित्र मारिश है वो बार बार कहते हैं कि स्त्री का धर्म निर्माण नहीं सृष्टि है क्या मतलब है इस बात का और क्या इस बात से सहमत है आज के जमाने में सर मारिस का इससे मतलब है कि नारी को प्रकृति ने जो सर कर्तव्य दिया है सृष्टि को आगे बढ़ाने में उसको वही अपना के चलना चाहिए और सर जो निर्वाण का मार्ग है वो नारी के लिए श्रेष्ठ नहीं है ठीक है और सर मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है कि सर लेकिन जेंडर इक्वालिटी के साथ सर जैसे हमारे देश में दो महिला राजनेता इस समय ऐसी मैं सोच पा रहा हूँ जो बहुत योग्य है उन्होंने बहुत महान काम किया पर विवाह नहीं किया परिवार को आगे नहीं बढ़ाया ममता जी हैं मायावती जी हैं क्या हम उनके योगदान को शून्य मान लें क्योंकि उन्होंने सृष्टि का रास्ते को आगे नहीं बढ़ाया नहीं सर ऐसा तो नहीं है सर हर महिला की अपनी ये पर्सनल चॉइस है और सर राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने इतना अच्छा किया है तो हम सिर्फ सृष्टि को आगे ले जाने के बेस पे कहीं किसी महिला का मूल्यांकन नहीं कर सकते ठीक है अब आप ये बताएं कि हरियाणा में आजकल बहुत सारे जो विवाद चल रहे हैं उनमें से एक विवाद तो चंडीगढ़ को लेकर है तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि भाई जब सारी यूटीज़ में हमारे ऑफिसर्स हैं जो ए जी एम यू टी काडर के ऑफ़िसर्स हैं वो हर जगह हैं दिल्ली में हैं मतलब गोवा में जो पहले की यूटी था वहाँ भी है लक्षद्वीप में है निकोबार में है अब जम्मू कश्मीर में भी हैं लद्दाख में भी हैं तो चंडीगढ़ को अलग से लाट साहब बनने का क्या मतलब है कि उसके उस यूटी में ऑफ़िसर्स हरियाणा पंजाब काडर के होंगे क्यों होंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब से हम चंडीगढ़ में भी ए जी एम्यूटी कार्डर के ऑफिसर नियुक्त करेंगे पंजाब सरकार इस बात पर भड़की हुई है हरियाणा सरकार भी उतना नहीं भड़क सकती क्योंकि सरकार उसी पार्टी की है लेकिन वो भी नाराज बीच में दिखते हैं आपकी राय में क्या होना चाहिए चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे चलना चाहिए सर चंडीगढ़ एक यूटी है तो ये केंद्र सरकार का दायित्व तो और उसके जो रिस्डिक्शन में आता है कि अगर वो चाहे तो सर जो आगमुट कैडर है वो चंडीगढ़ में नियुक्त कर सकती है लेकिन जिस टाइम समझौता हुआ सर उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि चंडीगढ़ पंजाब के ऑफिसर्स ही वहाँ काम करेंगे तो अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ पे आगमुट कैडर के ऑफिसर्स जाएं तो सर ऐसा फैसला लेने में कोई मुझे बुराई नहीं मिलती हाँ लेकिन आपको नहीं लगता कि का सम्मान करते हुए इसमें राज्यों से भी संवाद होना चाहिए एक तरफ फैसला नहीं होना चाहिए हाँ सर एक तरफ फैसला नहीं होना चाहिए इसमें सर हरियाणा और पंजाब के राज्यों की भी सहमति ली जा सकती है क्योंकि एक बार इनसे सहमति लिए बिना तीन बिल पास किए थे फिर क्या हुआ था फिर देखा ये दो साल में तो संवाद की प्रक्रिया रहे तो बेहतर ही होगा है न ठीक है सर आप। आ, दिव्या आपने अपने डेफ में लिखा है कि आपने नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम में भागीदारी की और उसमें पुरस्कार जीता लीडरशिप एंड डेवलपमेंट तो ये बताओ कि नेतृत्व का विकास कैसे किया जा सकता है दो तीन तरीके बताए सर सबसे पहला तो मुझे लगता है जो लीडर होता है उसको अपने जो ग्रुप है उसके बारे में सर अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे पॉलिसीज ले जानी हमारा लक्ष्य क्या है सबसे पहला ये है दूसरा मुझे ऐसा लगता है सर एक लीडर के पास परसेशन पावर होनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज के बारे में जो आम लोग हैं उनको अच्छे से समझा सके और तीसरा मुझे लगता है सर नॉलेज और अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें जानकारी है कि कहाँ चीजें कैसे घटित हो रही हैं और सर मुद्दों के बारे में बता आपको लगता है कि नेतृत्व में त्याग की भावना भी होनी चाहिए क्या वो एक आवश्यक गुण है सर नेतृत्व में त्याग की भावना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कई बार सर लीडर्स को ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जहां उनके निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन में डायलेमा हो सर तो इसलिए त्याग जरूरी है ताकि हम सर सर्वजन के हित में सोच सके और व्यक्तित्व विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए सर हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए जनिस... क्या है आपकी स्ट्रेंथ तीन स्ट्रेंथ बताइए सर मेरी सबसे पहली स्ट्रेंथ है मैं वर्किंग हूँ एक सर अपने स्कूलिंग में अपने ग्रेजुएशन में ठीक है एक हो गया आ, सर दूसरा मुझे लगता है मैं होनेस्ट हूँ सर लालच मुझे ज़्यादा डिगा नहीं सकता तो मुझे सर जहाँ तक मैंने संभव हुआ है अपने जीवन में होनेस्टी को साधने का प्रयास किया है और तीसरा सर मैं आशावादी हूँ सर अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ उसमें टाइम लग भी रहा है तो सर मैं एक पॉजिटिव वे लेके चलती हूँ कि बेहतर परिणाम मिल ही जाएंगे ठीक है तीन वीकनेसेस बताइए सर वीकनेस सर एक तो ओवर सेंसिटिविटी है कभी कभी सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा हर्ट कर जाती हूँ कि सर मैं रोने भी लग जाती हूँ तो ये ओवर सेंसिटिवनेस है और दूसरा सर कभी कभी सर पढ़ाई के चलते या कुछ कामों की वजह से मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हूँ तो ये दूसरी वीकनेस है आप कह रहे थे कि व्यक्तित्व व्यक्तित्व का विकास करने के लिए व्यक्ति को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए yes. और क्या होना चाहिए व्यक्तित्व के विकास के लिए तो आपके पास अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पता है yes. और क्या क्या चीजें चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने व्यूज किसी भी मुद्दे पे रख सके और सामने वाले को समझा सके ठीक है तो देखते हैं आजकल जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही है उसका मूल कारण ईमानदारी से बताइए आपने कहा ईमानदार है आप सर सांप्रदायिकता का सर मूल कारण तो जो मुझे लगता है वो ट्रस्ट डेफिशिएट है सर जो विभिन्न वर्ग हैं विभिन्न धार्मिक वर्ग जैसे हिंदू मुस्लिम्स हैं उनके बीच में सर ट्रस्ट की इतनी कमी है कि कोई सर ऐसा मौका आता है जब कोई जुलूस निकल रहा है या कोई धार्मिक त्यौहार आते हैं तो सर जो उपद्रवी तत्व होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं उनके बीच में हिंसा भड़काने के लिए ये आपस में विश्वास की कमी शुरू से ही है कि इधर कुछ पैदा हो गई है विश्वास की कमी सर इसके कभी कभी राजनीतिक कारण भी हो जाते हैं तो ईमानदारी से आपने कहा है कि आप ईमानदार हाँ सर राजनीतिक कारण भी तो हो हाल में, में ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है सर हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो घटनाएं हो रही हैं जैसे दिल्ली में जहांगीरपुरी में और भी कई जगह हुई हैं सर तो हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है लेकिन सर कोशिश करनी चाहिए बढ़े कि यस सर